ये सवात में जो है ना बहरीन वाली साइड पे, ये देखें सेब, सेब का ये पूरा बाग बना हुआ है। और ये अभी इन्होंने जो है ना, ये अभी लाल हो रहे हैं, अभी पूरे तरीके से लाल नहीं हो, ये अभी लाल होंगे। और ये जो दूसरा दरख्त है, ये है अमलोक, वो अमलोक होता है ना ये पीले वाला, ये वो अमलोक है। अभी ये कच्चा है, बस मेरे ख्याल में शायद महीना लगेगा, 15-20 दिन महीना, ये फुल पक्के हो जाएंगे फिर। और ये खुबानी है, खुबानी, लेकिन अभी ये कच्चे हैं, अभी मेरे ख़्याल में शायद इसको भी 15-20 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा महीना लग जाएगा इसको। पूरा खुबानी का पेड़ है, पूरा बाग है, ये मिक्स फ्रूट है इसमें। ये पूरा सेब का बाग है, और ये इधर जो है ना पैकिंग हो रही है, और जितने ये हैं इसमें से जो लाल लाल दाने हैं वो जितने भी हैं इन्होंने वो तोड़ दिए हैं। ये बिल्कुल फ्रेश एप्पल है, और बिल्कुल ताज़ा, जिसको बोलते हैं ना रस भरे, ये वो एप्पल है। और इसमें से जो है ना कोई अच्छा सा लाल दाना हो ना तो मैं तोड़ के खाऊं। बड़ा ही नहायत, बहुत बड़ा बाग है ये, बहुत बड़ा बाग है ये, और इसमें से काफ़ी जो है ना इन्होंने दाने उतार दिए। और इसमें से देखना है कोई अच्छा सा एक दाना जो है ना वो फ्रेश, फ्रेश एप्पल। कोई रेड सा दाना हो ना तो एक ट्राई करते हैं। इसमें जो है ना फ्रेश एप्पल खाने का तो फिर खैर अपना ही मजा होगा। वाकई फ्रेश फ्रेश है, जो हमारे पास वहाँ आते वो तो बिल्कुल बासी हो जाते हैं, और इसमें इतना जो है ना रस है कि खाते हुए आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितना ज़बरदस्त फ्रेश और मीठा भी है। अच्छा, इसमें से अभी जितने दाने जो रेड रेड हो रहे हैं वो ये लोग निकाल के उस कार्टन्स के अंदर पैक कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा बाग है, मैं तो खैर अभी इसमें आया हूँ, मुझे ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि इसका जो आखिरी कोन है वो किस तरफ है।
लेकिन जो बाग वाला है उससे मैंने बाकायदा इजाज़त ली कि भाई मैं जो है ना थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा और एप्पल खाऊंगा भी। तो बड़े अच्छे लोग हैं, बोले जितने मर्जी है खा लो। खैर पैकिंग कर रहे थे इसने तो मुझे बहुत सारे एप्पल्स दिए, बोले कि चलो ले जाओ तो रास्ते में बच्चे वगैरह खाएंगे। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये पूरा भरा हुआ, लेकिन इसमें जो ग्रीन ग्रीन है ना, बाकायदा इसकी जो टहनी है इसको ये रस्सी से बांधे हुए, क्योंकि इसका इतना वज़न है एप्पल्स का कि वो जो है ना उसकी वजह से जो है ना वो, ताकि टहनी वगैरह इसका टूटे नहीं, तो ये पूरा इन्होंने बांधे हुए रस्सियों से जगह जगह। और ये बाग में नीचे भी जो है ना काफ़ी सारे ये एप्पल पड़े हुए, ये इस तरह बहुत सारे नीचे भी पड़े हुए, अगर आप नीचे से भी इसको जमा करते हैं तो बहुत सारे एप्पल्स बन जाएंगे। ये अभी मैं चल फिर रहा हूँ तो मेरे पाँव के नीचे भी आ रहे हैं। ये भी पूरा भरा हुआ है, ये देखिए पूरा भरा हुआ है ये, और ये काफ़ी सारे दाने हैं जो कि इसके अंदर अभी ये हैं ग्रीन है, तो अभी जितने ये रेड होते जाएंगे ये तोड़ के उसको पैकिंग में करते जाएंगे। ये पूरा इधर ये लोग पैकिंग करते हैं, जिसमें से ये खाली जो रेड रेड एप्पल्स है वो तोड़ के लोग पैक कर देते हैं। जो यहाँ से मंगोरा, खाली मंगोरा नमक की रखो ना जी का ना मंगोरा इधर जी। अच्छा, ये जो एप्पल है ये सिर्फ और सिर्फ मंगोरा जाते हैं, और हो भी सकता है कि आगे पीछे भी कोई सेटिंग हो तो जाते होंगे, लेकिन ये फ़िलहाल ये लोग जो यहाँ से पैक करके उसको मंगोरा ही बेचते हैं इसको। इस सारे कार्टन पड़े हुए जो पूरे पैक हुए हैं, ये वाले और ये पूरे, ये बेरेन के पास है एक पूरा बड़ा बाग। अभी मैं निकलूंगा आगे की तरफ। अभी हम लोग निकले हैं मंगोरा से चित्राल के लिए, तो मंगोरा के बाद जो है ना एक मंगोरा के बाद 40 किलोमीटर के बाद सीधी आत पे एक टन आता है, जहाँ से हम मुड़ेंगे तो दीर का रास्ता पड़ेगा, और तकरीबन इस चौक से दीर का जो रास्ता है वो तकरीबन 110 से 120 किलोमीटर के आसपास है, और दीर से फिर आगे हम जाएंगे चित्राल। तो अभी हम निकले हैं दीर के लिए। अगर आप अपर दीर मंगोरा से आएंगे तो ये रोड की कंडीशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ से आपको लंबा पड़ेगा। और अगर आप कालाम से जाते हैं तो कालाम से तकरीबन 90-95 किलोमीटर आपको पड़ेगा अपर दीर। कालाम से आप जाएंगे कोमराट वैली, कोमराट वैली तकरीबन आपका कालाम से पड़ेगा 65 किलोमीटर, 60 से 65 किलोमीटर वो पड़ेगा, और फिर कोमराट वैली से तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर आपको पड़ेगा अपर दीर। तो फिर अपर दीर से आप चित्राल भी जा सकते हैं, लेकिन कालाम से आप आने की गलती तब करें जब आपके पास 4x4 गाड़ी हो, तो वरना दूसरी जो कार वगैरह है इस टाइप की कोई भी गाड़ी आप गलती से भी ना लेके जाएं, वरना आप वहाँ पे फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो रोड है उसमें 4x4 भी आप लेके जाएंगे तो पूरी गाड़ी आपकी हिल जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पथरीला रोड है, बड़े बड़े पत्थर वाले रोड है, तो वहाँ से नहीं जाएं। कालाम से अगर आपने चित्राल और अपर दीर और चित्राल जाना है तो ये एक ही वाहिद रास्ता है। अगर आपके पास कार है तो यहाँ से आप आएंगे ये क्या नाम है आपका ये तेमरगढ़ वाली साइड से, जो रोड है सिंगल रोड है, लेकिन रोड की कंडीशन आपके सामने वीडियो में।
तो ये कि यहाँ से आप आएंगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा, ये तकरीबन 260 से 265 किलोमीटर का रास्ता है इसी रोड से सिंगल, लेकिन इजी है और रोड बड़ा बेहतरीन है, ज़बरदस्त बना हुआ है। तो इसमें ये कि आपकी गाड़ी के लिए भी फ़ायदा है, उसमें कोई मसला नहीं आ सकेगा क्योंकि रोड सही है, आप स्पीड भी मार सकते हैं। थोड़ा सा ठहरते हुए जाएंगे, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगे, बल्कि ज़्यादा नहीं, यहाँ से और कालाम से अगर आप जो ख़राब रोड है वहाँ से आएंगे तो मेरे हिसाब से यहाँ से आप ज़्यादा जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि ये रोड सही है। तो इसमें अगर आप सुबह सवेरे निकलते तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी, तो आप ईज़िली इस रोड पर 80 की स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर 80 की स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं तो आराम से आप 4 घंटे के अंदर, 5 घंटे के अंदर अंदर आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप वहां से जाएंगे तो वहां का जो रोड है उसके अंदर मसला ये है कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, और जाहिर सी बात है अगर रोड की कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। क्योंकि अगर आप मिसाल के उस रोड पे आप जाएंगे तो आप 15 की स्पीड में जाएंगे, 10-15-20, 10-15-20, और इस रोड पे आप जा रहे हैं तो मिनिमम स्पीड 50 से 60 तो है ही है इस पे। और अगर आपको खाली रोड इसमें मिलता है तो फिर आप जाएंगे इसमें तकरीबन तकरीबन 80-70-80 पे आप आराम से जा सकते हैं। तो ये इस रोड पे आपको जाने में ये फ़ायदा है। अब इसी रोड पे जो है ना आगे इसी वीडियो में आएगा कि उल्टियात पे रोड जो मुड़ेगा वो चित्राल पे जाएगा और सीधा एक गेट टाइप का बना हुआ होगा जो कि कुम्हराट वैली के लिए जाएगा। अगर आप अपर दीघ से कुम्हराट वैली जाना चाहते हैं तो आपको पड़ेगा तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर के आसपास, तो आप अपर दीघ से भी जा सकते हैं। अगर आपका चित्राल जाने का प्रोग्राम है तो फिर आपको तो अपर दीर आने ही आने हैं, तो अपर दीर से अगर आप आएंगे तो अपर दीर से आप कुम्हराट वैली भी जा सकते हैं। चित्राल पूरा घूम फिर के वहाँ से जब वापसी आएंगे आप तो कुम्हराट वैली चले जाएं, या जाते हुए आप कुम्हराट वैली चले जाएं, वापसी में यूं अपर दीर और फिर चित्राल वगैरह ये सारा आप जा सकते हैं। क्योंकि इस तरफ का जो रोड है वो सही है, लेकिन जो अपर दीर से वहाँ जा रहा है कुम्हराट वैली का जो रोड है वो भी सही नहीं है, वो तकरीबन 40-45 किलोमीटर है लेकिन वो रोड सही नहीं है। अभी हम नमाज़ वग़ैरह का स्टे लेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम लोग दीर में रुके हैं और यहाँ हम लोग रुके हैं, तकरीबन टाइम हो रहा है 2 बज रहे हैं, हमने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी है और ये पूरा दीर का एरिया है। हम अभी जाएंगे आगे अपर दीर। और ये बैक पे आप देख रहे हैं पूरी ये जो फसल नज़र आ रही है ये भिंडी की फसल है और ये सारी फसलें लगी हुई है, सब्जियां, ये तकरीबन सारी सब्जियां लगी हुई, जितने पीछे है ना ये सारी सब्जियां लगी हुई। अभी हम जाएंगे आगे की तरफ तेमरगरा। तेमरगरा यहाँ से तकरीबन है 10-12 किलोमीटर, वहाँ पे हमारा प्रोग्राम है लंच करने का और लंच करेंगे वहाँ पे, और उसके बाद जो है ना फिर हम जाएंगे वहाँ पे अपर दीर। तो हमारा आज जो नाइट स्टे का प्रोग्राम है वो अपर दीर में है इंशाल्लाह, और अपर दीर से फिर आगे जो हम निकलेंगे वो फिर कल सुबह का ही प्रोग्राम डिसाइड करेंगे। तो अभी हम निकलते हैं अपर दीर के लिए यहाँ से। अभी हम निकले हैं तेमरगरा। तेमरगरा बाईपास पे हम करेंगे लंच, और लंच के बाद फिर हम चलेंगे आगे अपर दीर के लिए। तो अभी थोड़ी देर के बाद जो है ना वो आएगा आपका, अल्लाह भला करे, तेमरगरा बाईपास। आपने एक चीज़ जहन में याद रखनी है, अगर इस रोड से आप जाएंगे तो तेमरगरा बाईपास से ही आप गुज़रें,
क्योंकि अगर आप बाईपास से नहीं गुजरेंगे और तेमरगढ़ मेन शहर की तरफ अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो जाएगा ट्रैफिक के अंदर। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान करना है कि आपने बाईपास से ही जाना है। अगर आपको आइडिया नहीं होता तो आप किसी से पूछ लें, नहीं तो ये सीधा सीधा रोड है। इसमें ये एक तो सीधा रोड जो निकलेगा वो अंदर शहर की तरफ जाएगा और थोड़ा सा लेफ़्ट पे आप टर्न होंगे तो वो है बाईपास। तो इसमें ये कि आप अगर बाईपास से जाएंगे तो आपको शॉर्ट पड़ जाएगा और इजी पड़ जाएगा आपको, आपका टाइम बचेगा। और ज़्यादातर अगर आप इस रोड पे सफ़र करने के लिए आप निकल रहे हैं तो आप सुबह के टाइम निकलेंगे जल्दी तो आपको रोड जो है ना वो मिलेगा खाली। तो जितना जल्दी सुबह हो सकते आप निकल जाएं। हम तो निकले थे सुबह कालाम से ही निकले थे और ठहरते हुए हम लोग आए हैं। कालाम से हम लोग निकले, फिर एक जगह आता है गबीन जबा। मिंगोरा से पहले एक पॉइंट है गबीन जबा के नाम से, वहाँ हम रुके थे नाश्ते के लिए और फिर वहाँ से हम आए मिंगोरा और मिंगोरा से फिर हम अभी ये अपर दीर की तरफ आए हैं। तो ये रोड तो आपके सामने, रोड काफ़ी अच्छा है, लेकिन बस एक जो मसला है मेन वो ये है कि ये सिंगल रोड है और सिंगल रोड पे आपको पता है कि ड्राइविंग करते हुए आपने बहुत ज़्यादा ध्यान करना है क्योंकि इसके अंदर आपके पास गुंजाइश नहीं है। अगर आपने कोई भी गलत ओवरटेक करा तो खुदा ना ख्वास्ता आपका एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल गाड़ी हैं उनका तजुर्बा ज़्यादा है बनिस्बत जो शहरों से आते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही ये दिन रात जो है ना वो इसी रोड पे गाड़ियाँ चलाते हैं, तो उनको ज़्यादा मसला नहीं है ओवरटेकिंग के अंदर। ये देखें सीधा जो रोड गया वो जा रहा है तेमरगढ़ और ये लेफ़्ट पे जो मुड़ है ये तेमरगढ़ बाईपास है। तो ये हम जा रहे हैं तेमरगढ़ बाईपास से और बाईपास, ये बाईपास है पूरा। यहाँ से ये कि आपको इजी पड़ेगा और ट्रैफिक की झंझट से आप बच जाएंगे अगर आप बाईपास से जाएंगे तो। और ये बाईपास पे काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं, कुछ रेस्टोरेंट तो हैं जिन पे बड़ी बड़ी तस्वीरें चिकन मुर्गी ये वो, लेकिन अंदर जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एक आध दो जगह मैं गया तो कुछ भी नहीं था, बस वो अंदर जो है ना कभी बोल रहे हैं दाल बना हुआ है, चावल बने हुए हैं। तो मैंने बोला भाई बाहर इतनी बड़ी बड़ी आपने तस्वीरें तो ऐसी लगाई है कि जैसे कोई बहुत ही बड़ा आपका खाने का कोई मरकज़ हो, लेकिन बहरहाल देखते हुए जाए। ये हम लोग अभी दीर से आगे जो है ना जो अपर दीर के लिए जाने रास्ते में जो है ना अपर दीर के लिए अगर आप जाओ तो रास्ते में तेमरगढ़ आ गए, तेमरगढ़ बाईपास पे जो है ना हम अभी रुके थे खाना खाने के लिए। ये है अपना चाचा सजी सेंटर, ये हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और अभी जो हम निकल रहे हैं आगे अपर दीर के लिए। तो खाना वगैरह यहाँ बस सही है, एवरेज खाना है, कढ़ाई वगैरह भी है और सजी वगैरह भी है, तो आप इसमें आराम से जो है ना वो खा भी सकते। तो अभी हम निकल रहे हैं अपर दीर के लिए। ये पूरा बना हुआ है अपना क्या नाम है तेमरगढ़ बाईपास, एक तो शहर से अंदर रास्ता जाता है और ये बाईपास बना है। ये जितना भी रोड है तो रोड का जो व्यू है दोनों साइड पे दोनों अतराफ में व्यू बड़ा अच्छा है, मतलब ये कि आप ड्राइविंग करते हुए बोर नहीं होंगे, लेकिन ये कि जगह जगह आप स्टे लेते रहें, ये नहीं कि आपने बस कालाम से निकलें और आपने बस ब्रेक पर वहाँ लगाना है अपर दीर पे ही, आप रुकें जगह जगह चाय वगैरह के लिए रुकें और थोड़ा सा जो है ना 10-15 मिनट का आप स्टे लें साथ में, उसमें ये कि आप फ्रेश हो जाएंगे। क्योंकि रोड ऐसा है कि आप इसमें कंटिन्यूसली आपके हाथ पांव हिलते रहेंगे क्योंकि टर्निंग बहुत ज़्यादा, ज़िगज़ैग रोड है तो टर्निंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर,
तो आपको इसमें थोड़ी सी थकावट जो है ना वो महसूस होगी अगर आप कालाम से आ रहे हैं तो, क्योंकि कालाम से मिंगोरा तक जो रोड है वो तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर का रोड है, लेकिन वो 35 किलोमीटर तो बिल्कुल ही बेकार है, कच्चा है, तो 2 ढाई 3 घंटे तो आपको वही रोड थका दे जाए। अगर आप मिंगोरा से अपर दीर जा रहे हैं तो आपको बड़ा इजी पड़ जाएगा, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं थकेंगे बनिस्बत अगर आप कालाम से आएंगे तो, क्योंकि यहाँ का जो रोड है ये तो सही है, लेकिन अगर आप कालाम से मिसाल के निकल रहे हैं तो कालाम से 30-35 किलोमीटर रोड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसमें आपको 3 घंटे तो वहीं लग जाते हैं। और इससे आगे जो है रोड वो तो फिर बिल्कुल सही है अपर दीर तक। तो अगर आप फिर जो है ना अगर मिसाल के मिंगोरा से निकल के आप अपर दीर आना चाहते हैं तो ये आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा बनिस्बत अगर आप कालाम से आ रहे हैं तो कोशिश करें कि मिंगोरा से ही आप निकलें, तो ये कि आप का जो सफ़र है वो ज़्यादा बेहतर गुज़रेगा और आसानी से गुज़रेगा, क्योंकि रोड की थकावट आपको कम महसूस होगी। और कभी भी थकावट की सूरत में ड्राइविंग ना करें, क्योंकि ये खुदा ना ख्वास्ता आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो इसलिए जो है ना इस चीज़ का आपने ख़ास ख़ास ध्यान करना है कि आपने थकावट की सूरत में ड्राइविंग बिल्कुल नहीं करनी। और अगर आप बाइक पे हैं तो फिर भी आपने थकावट की सूरत में राइडिंग बिल्कुल नहीं करनी, रेस्ट करने के बाद ही आप राइडिंग करें। ये जो सामने गेट नज़र आ रहा है ये सीधा अगर आप जाएंगे तो ये कोमराट वैली का रास्ता निकलता है यहाँ से, तकरीबन यहाँ से अगर आप जाएंगे तो आपको 40 किलोमीटर तक का पड़ेगा अगर यहाँ से आप कोमराट वैली जाएंगे। और जो लेफ़्ट पे रोड मुड़ रहा है, जो रोड जा रहा है ये जा रहा है अपर दीर, यहाँ से अपर दीर तकरीबन है 6-7 किलोमीटर है, तो अपर दीर से भी आप अगर जाते हैं तो आपको कोमराट वैली बहुत ज़्यादा करीब पड़ेगा। अपर दीर से आप कोमराट वैली भी जा सकते हैं, चित्राल भी आपको करीब पड़ेगा, और अगर दूसरी जगहों से आप जाएंगे सवात वगैरह तो वहाँ से बहुत ज़्यादा लंबा पड़ेगा। अपर दीर से अगर आप चित्राल जाना चाहते हैं तो ये कि तकरीबन 110 किलोमीटर का रास्ता है अपर दीर से, और जिसमें तकरीबन 30 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पक्का रोड है, कारपेटेड रोड है, लेकिन जो बाकी 80 किलोमीटर का जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब रास्ता है, जिसमें आप 15 से 20 की स्पीड से आप नहीं जा सकते हैं। और जो यहाँ की लोकल गाड़ियाँ हैं अगर उसको आप लेके जाते हैं बुकिंग में तो वो तकरीबन 40 की स्पीड में आपको लेकर जाएगी, और अगर मिसाल के आप चित्राल अपनी गाड़ी नहीं लेके जाना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ से बुकिंग कराएंगे तो फील्डर वाला आपसे लेगा तकरीबन 13 से 14 हज़ार रुपये, आपको सुबह लेके जाएगा, शाम तक पूरा दिन वहाँ घुमाएगा, फिर नाइट स्टे वहाँ करेंगे, और नाइट स्टे करने के बाद सुबह से फिर जो दूसरा दिन शुरू होगा सुबह से शाम तक वो भी आपको पूरा वो घुमाएंगे, फिर शाम को वो वहाँ से निकलेंगे गालिबन 6-7 बजे वहाँ से निकलेंगे, तो तकरीबन 11-11:30 बजे आपको वापस अपर दीर ले आएगा। अगर आप यहाँ से कुम्हराट वैली जाना चाहते हैं तो सेम डे में आपको लेके जाएगा सुबह, और शाम को वापस लेके आ जाएगा, और इसके चार्जेस जो आपसे लेंगे गाड़ी वाले वो तकरीबन लेंगे 8 से 10 हज़ार रुपये, लेकिन आप मज़ीद इनसे बार्गेन अगर आप करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि ये आपको 6-7 में भी ले जाए। और मौसम अपर दीर का भी अच्छा है, मिंगोरा और अपर दीर का जो मौसम है वो मुझे सेम लग रहा है, क्योंकि अभी जो एरिया शुरू हो गया
ये ऑलमोस्ट अपर दीर का जो है ना वो एरिया में हम लोग एंटर हो गए हैं, और जो मौसम है वो मुझे सेम लग रहा है। लेकिन ये कि रास्ते में जो मिंगोरा से जो दीर तेमरगरा तक का जो एरिया है वहाँ तक आपको एसी चलाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में खैर एसएच कोई ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, लेकिन गाड़ी के अगर वैसे भी शीशे बंद होते हैं तो गाड़ी में गर्मी वैसे भी ज़्यादा होती है, तो ये कि अगर आप एसी चलाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बाहर से अगर शीशे खुले होंगे तो धूल मिट्टी वगैरह आएगी तो आप उसके साथ डिस्टर्ब होंगे, और ज़ाहिर सी बात है गाड़ियाँ बार बार सिंगल रोड है तो करीब से गुज़रती हैं तो शोर शराबा भी ज़्यादा आता है, तो बेहतर है कि आप एसी के साथ ही आएँ, तो उससे आपको ये कि एक सुकून से आप आएंगे और धूल मिट्टी वगैरह से भी बचे रहेंगे, क्योंकि गर्मी तो इतनी ख़ास नहीं है, मौसम अच्छा है, तो सिंगल पॉइंट पे भी अगर आप एसी चलाते हैं तो बेहतरीन काम हो जाता है। ये पूरा दीर का एरिया, अपर दीर का एरिया ये स्टार्ट हो गया है, और ये उसका जो बाज़ार है, बाज़ार की शुरुआत है ये। लेकिन व्यू अच्छा आ रहा है, सामने देखें पहाड़ ही पहाड़ है और व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। ये राइट पे आप देख रहे हैं ये होटल है, होटल्स जो है ना यहाँ से शुरू हो गए, और जिसमें जिनके अलग अलग रेट हैं, आप उन में से अगर रूम बुक करना चाहते हैं तो अलग अलग रेट हैं, जिसके 4,000 भी हैं और 2,500 वाले भी हैं और 1,200 से 1,500 वाले भी हैं, अलग अलग कैटेगरी वाइज होटल्स बने हुए। ये पूरा मेन जो बाज़ार है उसमें से ये रोड गुज़रते हुए आगे सीधा चित्राल की तरफ निकलता है ये रोड, और ये अभी हम लोग पहुंच गए हैं अपर दीर। हम लोग अभी अपर दीर पहुंच गए हैं, और सुबह हम लोग निकले थे कालाम से, हम लोग कालाम से निकले थे सुबह, और अभी हम लोग पहुंचे हैं तकरीबन 5 बज रहे असर के। रास्ता तो इतना नहीं है, तकरीबन 250 किलोमीटर का जो है ना वो रास्ता है अपर दीर, अपना कालाम से लेके अपर दीर तक, लेकिन ये कि हम लोग जगह जगह जो है ना वो स्टे करते हुए आ रहे थे, तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा लगा, और रोड तो बिल्कुल सही है, सिर्फ कालाम से जो बहरीन तक रोड है वो ख़राब है, बाकी बहरीन से लेके यहाँ काला अपना अपर दीर तक रोड बिल्कुल सही है, उसमें यह कि आप जो है ना ईजली सुकून से आप आ सकते हैं, ये कि थोड़े से टर्न वगैरह बहुत ज़्यादा है, टर्निंग की वजह से ये कि आपका टाइम लगता है, क्योंकि पहाड़ी सारा एरिया है तो इसलिए जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी ये मैं अभी इस टाइम पे खड़ा हूँ अपने जो होटल है अपर दीर में, होटल की गैलरी में खड़ा हूँ, जहाँ से नीचे आपको ये दिख रहा होगा ये पूरा ये दरिया बह रहा है, ये दरिया पूरा आ रहा है ऊपर चित्राल से आ रहा है, ये चित्राल से आ रहा है, और काफ़ी अच्छा एरिया है, खूबसूरत एरिया है। अभी तो मैं पहुंचा हूँ, रेस्ट वगैरह करूँगा, उसके बाद जो है ना मैं बाकी जो पूरे एरिया की जो है ना आपको विज़िट कराऊँगा, तो अभी थोड़ा सा मैं रेस्ट वगैरह करता हूँ और चाय वगैरह पीते हम लोग अभी, क्योंकि लंबी ड्राइव करने के बाद जो है ना चाय तो मस्ट है। बाकी रोड काफ़ी अच्छा था, काफ़ी जो है ना मज़ा आया ड्राइव करके, और रोड भी जो है ना सही है, मतलब तकरीबन आप 60 से 80 के दरमियान स्पीड आप मेंटेन कर सकते हैं इसके ऊपर, तो और हमें जो होटल अभी मिला है वो भी काफ़ी अच्छे लोकेशन पर मिला है, तो पूरा जो है ना वो पूरा ये जो ऊपर गैलरी से हम देख रहे हैं
पूरा नीचे वो दरिया नज़र आ रहा है, बड़ा अच्छा व्यू आ रहा है और दरिया का शोर भी आ रहा है देख उसमें। और ये पीछे सारे जो है ना चारों तरफ ये पहाड़ ही पहाड़ है, पूरा पहाड़। और इनकी जो पार्किंग है वो अलग बनी हुई है, वो मैंने वहाँ पे जो है ना वो जो गाड़ी नज़र आ रही है वहाँ पे, इस गाड़ी के पीछे जो है ना मैंने गाड़ी खड़ी करी हुई है, पार्किंग इनकी उन्होंने ऊपर बनाई है पार्किंग।